कैसे हैं आप लोग? आज हम कठोड़ी जनजाति के नृत्य को लेकर के हम बात करेंगे। इससे पहले कुछ एक इनके बारे में जान लेते हैं कि कठोड़ी जनजाति मूलतः कहाँ की है। तो कठोड़ी जो जनजाति है, ये मूलतः महाराष्ट्र की है। ये महाराष्ट्र से आकर के राजस्थान के उदयपुर के कुछ क्षेत्रों में निवासित हो गई। अब इनका नाम अगर कठोड़ी जनजाति पड़ा या कठोड़ी पड़ा, तो इनका संबंध कथे से है, यानी कि जो खेर का वृक्ष होता है उससे होता है कथा तैयार, और खेर के वृक्ष से कथा तैयार ये लोग करते हैं या ये जनजाति करती है, इसलिए इसे इसका नाम इसलिए इसका नाम कथोड़ी पड़ा। तो इसका मतलब ये भी हो गया, अगर व्यवसाय के रूप में अगर आप इसको देखते हैं, तो कथोड़ी जनजाति खेर वृक्ष से कथा तैयार करने का काम करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कथा तैयार निम्न में से कौन सी जनजाति करती है। तो बड़े आपको ध्यान से सुनना है, तो कौन सी जनजाति करती है? कठोड़ी जनजाति करती है। चलिए, अब हम इनके द्वारा किए जाने वाले जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, या इस जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो हैं दो। कौन कौन से हैं वो दो? एक तो है मावलिया नृत्य। कौन सा? मावलिया नृत्य। और दूसरा है होली नृत्य। तो मुख्य रूप से इनके दो जो नृत्य हैं वो बताए गए हैं। अब इसमें हम पहला जो नृत्य है मावलिया नृत्य, अगर इसकी हम विशेषताओं की बात करें, तो मावलिया नृत्य जो है नवरात्रि के समय 9 दिनों तक किया जाता है। तो मावली नृत्य कब किया जाता है, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कठोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो नवरात्रि में किया जाता है। कितने दिन तक किया जाता है? तो 9 दिनों तक इसे किया जाता है। कौन करते हैं? ये स्त्री करती है या पुरुष? तो यह मावली नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि 10-12 पुरुष जो होते हैं, वो ढोलक, टापरा, बांसली एवं बांसुरी के साथ लय पर, यानी कि इन सब जो वाद्य हैं इनके लय पर देवी देवताओं के गीत गाते हुए समूह में गोल गोल नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विशेषता थी, ये कठोड़ी जनजाति द्वारा किया जाने वाला मावलिया नृत्य की थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मावलिया नृत्य नवरात्रि के समय पे 9 दिनों तक पुरुषों द्वारा, 10-12 पुरुष ढोलक, टापरा, बांसली और बांसुरी की लय पर देवी देवताओं के गीत गाते हुए समूह में गोल गोल नृत्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। दूसरा जो इनका नृत्य है वो है होली नृत्य। अब होली नृत्य की अगर हम बात करें, तो ये कब होता है? तो होली पर होता है। कितने दिनों तक किया जाता है? तो 5 दिनों तक होली पर, 5 दिनों तक होली नृत्य कठोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है 10-12 महिलाएं होती हैं, वो समूह बनाती हैं, एक दूसरे का वो हाथ पकड़ करके गीत गाते हुए गोले में ये नृत्य करती हैं। अब इसमें पुरुषों का भी योगदान है। तो पुरुष किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं होली नृत्य में? कि पुरुष ढोलक पावरी धोरिया एवं बांसली पर संगत करते हैं, यानी कि इनके ऊपर वो रहते हैं, इनके साथ में वो अपना जो संगत है इनको एक साथ वाद्य करते हैं, बजाते हैं। अब इसमें एक विशेषता और है
जो महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, तो उसमें क्या है कि महिलाएं जब नृत्य करती हैं तो उस दौरान एक दूसरे के कंधों पर चढ़ करके पिरामिड भी बनाती हैं। तो पिरामिड बनाती हैं महिलाएं, बनाती हैं एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके बनाती हैं, तो कौन से नृत्य में और किस जनजाति के द्वारा ऐसा किया जाता है? तो होली नृत्य पर कथोड़ी जनजाति के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ कथोड़ी जनजाति के नृत्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।